एक छोटी उम्र से ही बच्चों के मन में लिंग भेद को लेकर रूढ़िवादी सोच और भेदभाव होना शुरू हो जाता है। पारंपरिक स्कूली शिक्षा भी इन्हीं विचारों को बल देती है। पाठ्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों को जिस तरह से दर्शाया जाता है, जो अलग अलग मानक लड़कों और लड़कियों के लिए स्कूलों में तय किए जाते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे हम चाहते हैं कि लड़की ने बहुत ही शाय होना चाहिए, उसने घर संभालना चाहिए, ये हम लोग बचपन से चाहते हैं। वैसे हम लड़के के बारे में भी सोचते हैं, हम कहते हैं कि लड़के यानी असली मर्द जो रोकथाम करे, जो दूसरों के ऊपर दबाव डाले, जो जोर से बातें करे, जो कभी ना रोए। जैसी लड़की एक आईएएस अधिकारी हो, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? लेकिन इस क्लासरूम में इस पारंपरिक लिंग भेद को सांप सीढ़ी के एक सरल खेल के जरिए चुनौती दी जा रही है। ये गतिविधि कोरो द्वारा शुरू किए गए एक शैक्षणिक कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका मकसद 12 से 15 साल के स्कूली बच्चों में लैंगिक समानता के गुणों को बढ़ावा देना है। कोरो इज रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन टू अ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड यूनिसेफ एंड कोरो, दे आर डूइंग टुगेदर। इट्स कॉल्ड मीना राजुमंच, व्हिच इज हैपनिंग इन 25,000 स्कूल्स इन महाराष्ट्र। सो वी हैव डिजाइंड classroom activities for every week. It was all through games and stories and all, very interesting. ये कार्यक्रम मीना और राजू के आसपास रचा गया है, जो ऐसे दो किरदार हैं जिनके साथ बच्चे आसानी से जुड़ सकते हैं। पहले साल में हमने कॉन्सेप्ट्स उनको इंट्रोड्यूस किए, जैसे जेंडर है, वायलेंस है, बॉडी रिलेटेड ये, एंड सेकेंड ईयर वॉज मोर ऑन बिहेवियर। सेकेंड ईयर में हमने जानबूझ के कि आप एसर्टिव कैसे रहोगे, यानी विदाउट बीइंग एरोगेंट, स्पेशली फॉर गर्ल्स, हाउ यू कैन से नो। इस कार्यक्रम के मूल्यों को समझने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करना भी जरूरी है। बिकॉज दे कम फ्रॉम द सेम सोसाइटी, सेम माइंडसेट, सो वी डिसाइडेड टू वर्क विद टीचर्स। बच्चों के सोचने के तरीके में बदलाव लाने में मीना और राजू मंच काफी कारगर साबित हो रहा है। ये प्रोग्राम 2008 में शुरू हुआ और अभी 2014 चल रहे, तो जिन बच्चों के साथ हमने 2009-2010 दो साल काम किए, और अभी वो जो बच्चे 11वीं-12वीं में जाते हैं, तो वो कहते कि हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते, हमें आपने जो सिखाया था लड़का और लड़की इक्वल है, तो वो हम सोचते हैं, हम घर का काम करते। बच्चे काफ़ी वोकल हुए थे घर में, पेरेंट्स के साथ क्वेश्चन कर रहे थे, इवन लड़कियां क्वेश्चन कर रही थी अगर उनके ऊपर कुछ लादा गया तो। लड़के भी कर रहे थे कि ये काम उसी को क्यों बताया, मैं करूँगा। तो हमें लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें से अगर हम लोग खुद में बदलाव लाएं, तो एक बड़ा समाज में बदल आ सकता है। मीना और राजू मंच से गुजरे हुए बच्चे जब व्यस्क हो जाएंगे, तो स्कूल में सीखे हुए पाठ उन्हें अपने समुदाय में बदलाव के नायक बनने के लिए प्रेरणा देंगे। नई सोच लिए हुए इस मॉडल को देश के हर स्कूल में पाठ्यक्रम में शामिल करने की जरूरत है, ताकि कल का हिंदुस्तान ऐसा बन सके जिसमें महिलाओं और पुरुषों में वाकई बराबरी हो। मुल्गा मुल्गी एक समान, भारत देश होई महान।